Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of business statistics. In today's lecture, we will discuss upon the topic JET test. यानी कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के रेफरेंस में हम डिफरेंट टाइप के टेस्ट को डिस्कस करेंगे, जैसे कि JET test, T test, F test. इनमें से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द JET test. सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द डेफिनेशन ऑफ JET test. अ JET test इज अ टाइप ऑफ हाइपोथेसिस टेस्ट, अ वे फॉर यू टू फिगर आउट इफ रिजल्ट्स फ्रॉम अ टेस्ट आर वैलिड और रिपीटेबल. यानी कि हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से JET test एक प्रॉपर टेस्ट रहता है, जिसमें आपको ये पता चलता है कि जो टेस्ट के बेसिस पर रिजल्ट्स फिगर आउट किए गए हैं वो वैलिड है या उनको रिपीट किया गया है. एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसने एक नई ड्रग को फाउंड किया है और वो ये कह रहा है कि उससे कैंसर को क्योर किया जा सकता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप प्रोबेबली ट्रू हो. इसके लिए एक हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाएगा. अगर ये प्रोबेबली ट्रू हो भी सकती है और प्रोबेबली ट्रू नहीं भी हो सकती है, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक JET test का प्रॉपर यूज़ करेंगे. इसके लिए हमें देखना होगा कि जो हमारा डेटा है, जब हम उसको ग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ कर रहे हैं, क्या वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो फिर उस केस में हम क्या करेंगे, JET test का यूज़ करते हुए ये बताएंगे कि जो नया ड्रग है वो कैंसर को क्योर करने में इफ़ेक्टिव है या नहीं है. नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व का मतलब होता है द डेटा हैज़ द शेप ऑफ अ बैल कर्व व्हेन यू ग्राफ इट. मतलब जब ग्राफ के फॉर्म में ड्रॉ करते हो तो आपके पास बैल शेप्ड कर्व अगर ऑप्टेन होती है तो हम इसको बोलते हैं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व. ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि JET test इज अ स्टैटिस्टिकल टूल यूज्ड फॉर द कंपैरिजन और डिटरमिनेशन ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ सेवरल स्टैटिस्टिकल मेजर्स, पर्टिकुलरली द मीन इन अ सैंपल फ्रॉम अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन और बिटवीन टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स. यानी कि जब हमें सेवरल स्टैटिस्टिकल मेजर्स के कंपैरिजन को फॉलो करना होता है या उसको डिटरमाइन करना होता है, तो उसके लिए हम जिस स्टैटिस्टिकल टूल का यूज़ करते हैं उसे हम JET test का नाम देते हैं. जैसे मान लीजिए कि एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन है, आप ये पता करना चाह रहे हो कि सैंपल उसमें से ड्रॉ किया गया है या नहीं किया गया है, या फिर दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स हैं उनको आप ये पता करना चाहते हो कि दोनों एक ही पॉपुलेशन से बिलोंग करते हैं या नहीं करते हैं, तो उसके लिए हम JET test का प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं. चलिए आगे बात करते हैं हम, व्हेन यू कैन रन अ JET test. JET test को किन किन कंडीशंस में फॉलो किया जा सकता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हम डिफरेंट टाइप के टेस्ट को फॉलो कर सकते हैं, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, टी टेस्ट. तो हमें JET test को किन कंडीशंस में यूज़ करना चाहिए, इसके लिए मैंने कुछ कंडीशंस दे रखी हैं. इफ़ योर सैम्पल साइज इज़ ग्रेटर देन 30, यानी कि आपका सैम्पल साइज 30 से ज़्यादा होना चाहिए. अगर 30 से कम है तो उस केस में आप टी टेस्ट का यूज़ कर सकते हैं. जो आपके डेटा पॉइंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए एक दूसरे से, या फिर जो वन डेटा पॉइंट है वो किसी भी तरीके से दूसरे डेटा पॉइंट से अफेक्टेड नहीं होना चाहिए. तीसरी कंडीशन है इसके अंदर, योर डेटा शुड बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होना चाहिए. जो आपके पास डेटा अवेलेबल है जब उसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हो तो वो एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कर्व को शो करना चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तब आप JET test यूज नहीं कर सकते. इसके साथ साथ जो आपका डेटा है, इट शुड बी रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम अ पॉपुलेशन. एक रैंडम सिलेक्शन होना चाहिए आपके सैंपल का दी हुई पॉपुलेशन से, जहाँ हर एक आइटम के काउंट होने के चांसेस इक्वल होते हैं. सैंपल साइजेस, जितने भी सैंपल्स आप ड्रॉ कर रहे हो पॉपुलेशन में से, उन सबके साइज इक्वल होने चाहिए. यानी कि इक्वल साइज के सैंपल्स को आपको ड्रॉ करना है दिए हुए पॉपुलेशन में से. अगर ये कंडीशंस हैं तब आप JET test को प्रॉपरली रन कर सकते हो. अब हम बात करेंगे कि JET test को किस तरीके से रन किया जा सकता है. इसके लिए 5 स्टेप्स आपको फोकस करने हैं. सबसे पहले तो आपको नल हाइपोथेसिस को डिफाइन करना है और उसके साथ साथ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को डिफाइन करना है. तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि दिए हुए एग्जांपल से किस तरह से हम नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को स्टेट कर सकते हैं. उसके बाद आपको एक प्रॉपर सिग्निफिकेंस लेवल, अल्फा लेवल को सिलेक्ट करना है. 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को सिलेक्ट किया जाता है रिजेक्शन या फिर एक्सेप्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से. इसके बाद आपको JET टेबल के बेसिस पर प्रॉपर क्रिटिकल वैल्यू को फाइंड आउट करने लगे. अब एक फॉर्मूले का यूज़ करोगे और उस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आप JET test स्टैटिस्टिक्स को कैलकुलेट कर लोगे. फॉर्मूले में अभी आपसे आगे डिस्कस करूँगा,
वन सैंपल और टू सैंपल के रेफरेंस में। इसके बाद जो आपके टेस्ट स्टैटिस्टिक के वैल्यू बेसिस पर जेड की वैल्यू आई है, इसको आप क्रिटिकल जेड वैल्यू से कंपेयर करोगे और उसके बेसिस पर डिसाइड करोगे कि नल हाइपोथेसिस को आपको सपोर्ट करना है या फिर इसको रिजेक्ट करना है। तो ये पर्टिकुलर स्टेप्स हैं जिनके बेसिस पर जेड टेस्ट को कंप्लीट किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम फॉर्मूले की बात करते हैं, वन सैंपल जेड टेस्ट की बात करते हैं कि अगर वन सैंपल का केस है, अगर आप एक दी हुई पॉपुलेशन में सिंगल सैंपल्स ड्रॉ करते हो तो किस तरह से जेड टेस्ट को इंप्लीमेंट किया जाता है। द जेड स्टैटिस्टिक्स रेफर्स टू द स्टैटिस्टिक्स कंप्यूटेड फॉर टेस्टिंग हाइपोथेसिस सच दैट गिवन फ्रॉम नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज एन इज सेलेक्टेड विद पॉपुलेशन मीन म्यू एंड वेरियंस सिग्मा स्क्वायर एंड अ सैंपल मीन एक्स विद सैंपल साइज इज ग्रेटर देन 30। ये भी कंडीशन आपके साथ, तो आपने एक दी हुई पॉपुलेशन में से क्या करा है, एक एन साइज के रैंडम सैंपल को ड्रॉ किया है जिसका पॉपुलेशन और जिस पॉपुलेशन से आपने इसको ड्रॉ किया है उसका मीन म्यू है, उसका वेरियंस सिग्मा स्क्वायर है और जो सैंपल है उसका मीन एक्स है और जो सैंपल साइज है वो आपका 30 से ज़्यादा है। तो उस केस में जो जेड स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू है उसके लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाता है एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन, जहाँ सिग्मा अपॉन अंडर रूट एन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन को डिफाइन करता है और एन सैंपल साइज को डिफाइन करता है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आप जेड की वैल्यू को निकालोगे और फिर क्रिटिकल जेड वैल्यू से कंपेयर करते हुए नल हाइपोथेसिस को या तो आप सपोर्ट करोगे या फिर उसको रिजेक्ट करोगे। ऐसे हम बात करते हैं अबाउट द टू सैंपल जेड टेस्ट की। तो टू सैंपल जेड टेस्ट में क्या होता है, जो प्रॉपर फॉर्मूला हमने अभी बात करी थी वो वन सैंपल जेड टेस्ट के लिए है। अगर आप टू सैंपल जेड टेस्ट को रन करना चाहते हो तो उसके लिए जेड स्टैटिस्टिक्स का एक फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, जेड स्टैटिस्टिक्स इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू डिवाइडेड बाय अंडर रूट सिग्मा वन स्क्वायर अपॉन एन वन प्लस सिग्मा टू स्क्वायर अपॉन एन टू। यहाँ एक्स वन माइनस एक्स टू ये डिफरेंस दिखाता है सैंपल मीन के, यानी कि अगर आपने दो सैंपल्स ड्रॉ किए हैं तो दोनों सैंपल्स के मीन के डिफरेंस को हम एक्स वन माइनस एक्स टू से डिनोट करते हैं। म्यू वन माइनस म्यू टू क्या हो गया, ये डिफरेंस है बिटवीन पॉपुलेशन मीन, ठीक है, सिग्मा वन स्क्वायर अपॉन एन वन और सिग्मा टू स्क्वायर अपॉन एन टू ये पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होते हैं और एन वन एन टू ये सैंपल साइज हैं दोनों ही सैंपल्स के, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सैंपल के सैंपल साइज हैं एन वन और एन टू। तो इस तरह से इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए आप जेड स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करके फिर इसको क्रिटिकल जेड वैल्यू से कंपेयर करते हुए पता करोगे कि हाइपोथेसिस को जो नल हाइपोथेसिस है तो उसको सपोर्ट करना है या उसको रिजेक्ट करना है। अब हम आगे बात करते हैं अबाउट द वन सैंपल जेड टेस्ट, यानी कि वन टेल्ड जेड टेस्ट। तो वन टेल्ड जेड टेस्ट के रेफरेंस में हम कुछ पॉइंट्स को स्टडी करेंगे जो इसके कॉन्सेप्ट को कम्प्लीटली क्लैरिफाई करेगा। सबसे पहला पॉइंट है इसके रेफरेंस में, वन सैंपल जेड टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन वेदर अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन पैरामीटर विच इज मोस्टली मीन सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम एन एज्यूम्ड वैल्यू। यानी कि जेड टेस्ट के बेसिस पर आप क्या करते हो, जब एक पॉपुलेशन में से सैंपल को ड्रॉ करते हो तो मोस्टली क्या होता है, वो मीन के अराउंड होता है। तो आप ये देखना चाहते हो कि जो सैंपल आपने ड्रॉ किया है वो उसकी जो वैल्यू है वो एज्यूम्ड वैल्यू से अलग है या सिमिलर है। दूसरा, इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, सैंपल मीन और एज्यूम्ड मीन के बीच में रिलेशंस को एस्टिमेट करते हैं। तीसरा पॉइंट इसके रेफरेंस में, इन दिस केस द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज यूज टू कैलकुलेट द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द टेस्ट। तो एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसे हम जेड स्टैटिस्टिक्स का नाम देते हैं, उसको कैलकुलेट करते हुए ही हम टेस्ट के रेफरेंस में क्रिटिकल वैल्यू को डिफाइन करते हैं और उसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि हमें नल हाइपोथेसिस को सपोर्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है। अगर सैंपल की जो जेड वैल्यू है उसको टेस्ट करने के बाद ये वन साइडेड टेस्ट के क्राइटेरिया में फॉल होती है तो फिर उसको हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो फिर हम क्या करेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे और नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देंगे। अ वन टेल्ड टेस्ट वुड बी यूज्ड व्हेन द स्टडी हैज टू टेस्ट वेदर द पॉपुलेशन पैरामीटर बीइंग टेस्टेड इज आइदर लोअर देन और हायर देन सम हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू। यानी कि जो आपके पॉपुलेशन पैरामीटर हैं जिनके ऊपर आप टेस्टिंग करने जा रहे हो, अगर आप ये पता करना चाहते हो, ये टेस्ट करना चाहते हो कि उन पॉपुलेशन पैरामीटर की वैल्यू हाइपोथेसाइज्ड वैल्यू से कम है या ज़्यादा है,
तो उस केस में आप वन टेल्ड टेस्ट का यूज करते हो। इसके साथ साथ जो वन सैंपल जेट टेस्ट है वो एक एजम्पशन लेके चलता है। क्या एजम्पशन है? कि जो डेटा है उनको हम रैंडमली कलेक्ट करते हैं, यानी जो सैंपल कलेक्ट किया जा रहा है वो रैंडम बेसिस पर कलेक्ट किया जा रहा है एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पॉपुलेशन से, जिसमें जिसकी वजह से दोनों के मीन और वेरियंस दोनों के होते हैं सिमिलर होते हैं। इसके साथ साथ ये हाइपोथेसिस इंप्लाई करती है कि जो डेटा है वो कैसा होना चाहिए, कॉन्टीन्यूअस होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक, तभी तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वो बेस्ड ऑन द ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेट फॉर अ स्टडी अ वन साइडेड जेट टेस्ट कैन बी आइदर अ लेफ्ट साइडेड जेट टेस्ट और अ राइट साइडेड जेट टेस्ट। क्योंकि हम वन टेल्ड टेस्ट की बात कर रहे हैं तो ये या तो राइट साइड जेट टेस्ट होगा या फिर ये लेफ्ट साइडेड जेट टेस्ट होगा। अब हम बात करेंगे पहले तो लेफ्ट साइडेड या लेफ्ट टेल्ड टेस्ट की बात करेंगे, उसके लिए कंडीशन क्या है। अगर नल हाइपोथेसिस इस तरीके से है कि म्यू जीरो इज इक्वल टू म्यू एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एच ए सच दैट म्यू इज लेस देन म्यू जीरो, म्यू इज लेस देन म्यू जीरो, तो हम इसको बोलेंगे लेफ्ट टेल्ड टेस्ट। एंड देयर इज वन रिजेक्शन रीजन ओनली ऑन द लेफ्ट टेल ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, केवल जो लेफ्ट टेल होगी डिस्ट्रीब्यूशन की उस तरफ उसका रिजेक्शन रीजन होगा, बाकी और कहीं रिजेक्शन रीजन नहीं होगा इसका। दूसरे केस क्या बनेगा यहाँ पर राइट टेल्ड टेस्ट का, उस केस में क्या होगा एच जीरो सच दैट म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो एंड एच ए सच दैट म्यू इज मोर देन म्यू जीरो, तो इसमें क्या होगा ये कहलाएगा आपका राइट टेल टेस्ट, और इसमें जो रिजेक्शन रीजन होगा वो कर्व के राइट टेल की तरफ प्रेजेंट होगा। सो दिस इज अबाउट द वन टेल टेस्ट। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टू सैंपल जेट टेस्ट, इसको हम टू टेल जेट टेस्ट का भी नाम देते हैं। इसकी क्या क्या कंडीशन है? इन द केस ऑफ टू सैंपल जेट टेस्ट टू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इंडिपेंडेंट सैंपल्स आर रिक्वायर्ड। तो आपको दो सैंपल्स ड्रॉ करने हैं, एक पॉपुलेशन में से दो सैंपल्स को जब आप ड्रॉ करोगे और दोनों कैसे होने चाहिए इंडिपेंडेंट सैंपल्स होने चाहिए, तब आप टू सैंपल जेट टेस्ट का यूज करते हो। इसके साथ साथ टू टेल्ड जेट टेस्ट को क्यों परफॉर्म किया जाता है, जिससे कि पॉपुलेशन पैरामीटर जो है दोनों सैंपल्स के उनको प्रॉपरली डिटरमाइन किया जा सके और उनके बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश किया जा सके। टू टेल्ड जेट टेस्ट में जो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट किया जाता है जब तक कि जो पॉपुलेशन पैरामीटर है वो एज्यूम वैल्यू के इक्वल नहीं हो जाते हैं। इसके साथ साथ टू टेल टेस्ट अप्रोप्रिएट होता है किस कंडीशन में, जब एच जीरो सच दैट म्यू इज इक्वल टू म्यू जीरो एंड एच ए सच दैट म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू जीरो, और नॉट इक्वल टू म्यू जीरो का मतलब दो कंडीशन होगी, या तो म्यू इज ग्रेटर देन म्यू जीरो या फिर म्यू इज लेस देन म्यू जीरो होगा। दोनों ही कंडीशन में हम टू टेल टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। इसका मतलब जो टू टेल टेस्ट होगा उसके अंदर दो रिजेक्शन रीजन होंगे, एक तो लेफ्ट हैंड साइड में और दूसरा राइट हैंड साइड में। अगर आपकी वैल्यू उस एरिया में लाई करती है तो उस केस में हमें क्या करना होगा, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना होगा, अदरवाइज हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करके चलेंगे। तो इस तरीके से हम टू सैंपल जेट टेस्ट को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।